ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। गुणनखंड विधि से 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यह है हमारे 10वां नंबर सवाल। तो चलिए गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। पहले तो प्रश्न उतार दीजिए भैया। 6x² - x - 2 = 0। गुणनखंड विधि का मतलब है, ट्रिक याद रखिएगा, बार बार बताएंगे, फर्स्ट में लास्ट से गुना करना है, फर्स्ट में लास्ट से गुना करना है। मतलब कि तो 6x² में -2 से गुना करना है, प्लस माइनस माइनस 6 × 2 = 12x². अब मिडिल टर्म जो है -x, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसा डिवाइड करेंगे, ऐसा डिवाइड करेंगे कि उसको गुना करने पर -12x² पूर्णा चाहिए और जोड़ने घटाने पर -x पूर्णा चाहिए। चलिए, तो मैं समझता हूं ना कि +3x - 4x लिख देंगे। अगर 3 को x में से आप 4 को x घटाइएगा तब माइनस में 1 x पाइएगा, और अगर 3x में -4x से गुना करिएगा तब 3 × 12 x² माइनस में पाइएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है कि जितना फर्स्ट इनटू लास्ट आएगा उतना ही मिडिल टर्म के दोनों पार्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x² - x के चलते मेरा दो पार्ट क्या बना है, प्लस में 3x और माइनस में 4x, है ना, और माइनस में 2 डाल दिए, बराबर के बाद 0। अब हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 और 3 में से 3 कॉमन होगा, x² और x में से x कॉमन होगा। 3 × 6 x, एक एक्स बचेगा क्योंकि x² में है, एक एक्स कॉमन हुआ है, 3x में 3x कॉमन लीजिएगा महाराज तो 1, आ ये दोनों में से कथी कॉमन होगा, हाँ बोलिए ना तनी, अरे माइनस में 2 तो कॉमन होगा, तब बचेगा माइनस में प्लस में 2x, आ माइनस तो कॉमन हो गया तो प्लस में 1 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, तो 2x + 1 मिल रहा है, देखिए ना मिल रहा है 2x + 1 2x + 1, तो 2x + 1 जो मिलता है उसको कॉमन, आ इधर बच गया 3x - 2 = 0। अब जब तब में आ जाइए, जब तब में आ जाइए, जब 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 आ x = -1/2, एगो आंसर ही हो गया। आ जब 3x - 2 = 0, है ना, तो 3x = -2 + 2, x के साथ ही 3 गुना कर रहा है तो उधर भाग कर देगा, यह आंसर हो गया आपका। ये तो रॉफ वाला है, रॉफ महाराज है ही, है ना, सोल्यूशन आपका यही हो गया। इसलिए लिख दीजिए x = -1/2, 2/3, यही आपका मूल हो गया, चाहे हल हो गया, चाहे सुलेख हो गया, है ना।